संस्मरण दिवस इस बात का प्रतीक है कि पुलिस का कार्य जोखिम भरा है। जब भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटे तो जो हमारा साथी शहीद हुआ है उसके और उसके परिवार को हम पूरे मजबूती के साथ आर्थिक और बाकी मदद करें। सरकार की राशि इसके अतिरिक्त है, लेकिन हम अपने साधनों से उसको 2 लाख की राशि देंगे। अब उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख किया है। नमस्कार, आप लाइव चीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार पुलिस आज संस्मरण दिवस मना रही है। संस्मरण दिवस उन लोगों के लिए है जो लोग बिहार पुलिस में कार्य करते हुए शहीद हो गए। देखिए, अपराधियों से लड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए बिहार में उन लोगों ने अपराधियों से लोहा लिया, और जिसके वजह से कई पुलिसकर्मी 150 से भी ज़्यादा, जिसकी संख्या है पूरे बिहार में, वो शहीद हो गए। अब ऐसे में आज के दिन उनको याद किया जा रहा है, और आज बिहार के DGP RS भट्टी ने खुले मन से बड़ा ऐलान भी कर दिया है। देखिए, ऐलान पहले भी हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए DGP भट्टी ने आज उनके मनोबल को बढ़ाया है। देखिए, मन से उन्होंने कहा है कि विभाग के तरफ से पहले 2 लाख रुपए ही शहीदों के परिवार वालों को दिए जाते थे, मगर अब उसे 25 लाख रुपये कर दिया गया। परिवार वालों का साथ देने की बात वो कह रहे हैं, और अपराधियों पर भी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप बिहार के DGP RS भट्टी को सुनिए। आज संस्मरण दिवस के अवसर पर मैं बिहार पुलिस के 8 कर्मी एवं पदाधिकारी और पूरे भारतवर्ष के 188 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी नमन करता हूं। संस्मरण दिवस इस बात का प्रतीक है कि पुलिस का कार्य जोखिम भरा है। अपराध से लड़ना हो, विधि व्यवस्था का संधारण हो, हमारे कार्य में जोखिम है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी व्यवहारिक कार्यकुशलता को और सुदृढ़ करें, प्रशिक्षण पे बल दें, और साथ ही साथ जब भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटे तो जो हमारा साथी शहीद हुआ है उसके और उसके परिवार को हम पूरे मजबूती के साथ आर्थिक और बाकी मदद करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष में हमने कल्याण के लिए कई निर्णय लिए हैं, जिसमें जो भी हमारा साथी कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त होता है उसको पहले 2 लाख की राशि दी जाती थी। सरकार की राशि इसके अतिरिक्त है, लेकिन हम अपने साधनों से उसको 2 लाख की राशि देते थे। अब उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख किया है, और हम प्रयास करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो आर्थिक सहायता है, जो उसके परिवार को जरूरत है, उसको तुरंत मिले। इसके साथ ही जिस बैंक में आपके वेतन के खाता है उनके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत काफी बड़ी मात्रा में आपको उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आपने सुना है कि किस तरीके से आज संस्मरण दिवस बिहार पुलिस मना रहा है। BMP में आयोजित इस संस्मरण दिवस में कई पुलिस पदाधिकारी, कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। आज सभी ने बिहार पुलिस में कार्य करने वाले शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी है, और 25 लाख रुपए का ऐलान बिहार के DGP ने कर दिया है। देखिए, पहले बात करें तो बिहार में पहले ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को 2 लाख रुपए ही मुआवजे के तौर पर परिवार वालों को सहायता राशि दी जाती थी, मगर अब बिहार पुलिस और विभाग के तरफ से, गृह विभाग के तरफ से 25 लाख रुपए उसे कर दिया गया है। अब पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैंक वालों से भी संपर्क में बिहार के DGP हैं, साथ ही साथ विभाग है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बिहार पुलिस के तरफ से मदद भी दी जाएगी। वहीं अपराधियों पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।